यूं तो वृंदावन में आपने कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे, पर आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो वृंदावन की धरती पर सबसे पहला मंदिर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के मदन मोहन मंदिर के बारे में। भगवान मदन मोहन की प्रतिमा आज इस मंदिर में नहीं है। मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण के दौरान वृंदावन के कई मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए इस मंदिर की मूल प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में ले जाया गया और उस स्थान पर उस प्रतिमा की प्रतिकृति रखी गई। आज इस मंदिर में उस प्रतिमा की प्रतिकृति की ही पूजा की जाती है, जबकि मूल प्रतिमा आज भी राजस्थान के करौली जिले में है। मित्रों, ये मंदिर जिस स्थान पर बना है वहां कभी विशाल जंगल हुआ करता था। ये मंदिर एक टीले पर बना हुआ है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पहले यमुना मैया बहा करती थी, लेकिन जल स्तर कम हो जाने के कारण यमुना जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चली गईं। चलिए अब आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। इस मंदिर की प्रतिमा का निर्माण श्री कृष्ण जी के पौत्र बज्रनाग द्वारा करवाया गया था। इसके बाद जब बज्रनाग जी बुजुर्ग हो गए तो ये प्रतिमा मथुरा के एक चौबे जी को दे दी गई। चौबे जी की पत्नी इस मदन मोहन की प्रतिमा की सेवा किया करती थी। उस समय वृंदावन एक घना जंगल हुआ करता था। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज की और वृंदावन का प्राकट्य हुआ। यमुना जी के किनारे इस टीले पर चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य सनातन गोस्वामी जी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। सनातन गोस्वामी जी रोज भिक्षा के लिए मथुरा जाते थे। चौबे जी की पत्नी के बुजुर्ग हो जाने पर मदन मोहन जी की प्रतिमा उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को दे दी, जिसे सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की प्रतिमा को अपनी कुटिया में रख लिया और सेवा करने लगे। मित्रों, इसके बाद इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ ये हम आपको बता देते हैं। उस समय एक व्यापारी दिल्ली से मथुरा व्यापार करने के लिए आते थे। एक बार उनकी माल से भरी हुई नाव इस टीले के नीचे यमुना जी के किनारे फंस गई। 3 दिन तक काफी प्रयास करने के बाद भी वो नाव वहां से नहीं निकली। चारों तरफ घना जंगल था, कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। तब व्यापारी ने इस टीले से एक धुआं निकलते हुए देखा, जो कि सनातन गोस्वामी जी की रसोई से आ रहा था। व्यापारी इस टीले पर सनातन गोस्वामी जी से मिले और सनातन गोस्वामी जी से कहने लगे कि मेरी नाव यहाँ पर फंस गई है। तब सनातन गोस्वामी जी के कहने पर व्यापारी ने मदन मोहन जी से नाव को निकालने की विनती की। इसके बाद यहाँ बारिश होने लगी और बारिश होने के कारण किनारे पर फंसी हुई नाव तैरने लगी। तब व्यापारी ने कहा कि इस माल के विक्रय से जितनी भी कमाई होगी उसे वो मंदिर निर्माण कार्य में लगाएगा और मदन मोहन जी का एक मंदिर बनाएगा। इसके बाद लगभग सन 1590 से 1627 के बीच उस व्यापारी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मित्रों, मदन मोहन जी का ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।